जय श्री राम दोस्तों, कृष्णा के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ना ये आंवला का चटनी बताऊंगी। ये देखिए सारा सामान है। ये चार आंवला मैं कट करके रखी हुई हूँ। हरी मिर्ची चार है और कच्चा लहसुन है और धनिया है। और धनिया में ये देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा इसका गांठ ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, धनिया का पत्ती जो भी होता है वो खाने में तो काम यूज कर लेती हूँ, सब्जी में वो सब डाल लेती हूँ। और उसके जितने भी डंठल होता है उसको मैं फेंकती नहीं, उसको रखती हूँ। मैं हर हमेशा जो चीज है उसको बर्बाद होने से बचाने, एक एक आपको किचन टिप्स भी बताऊंगी। तो वो डंठल जो है आपको फेंकना नहीं है। ये चटनी में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा चटनी। तो ये देखिए बने रहिए मेरे साथ। ये काला नमक है और इसको अभी जो है ये डाल लेती हूँ। तो कुछ भी नहीं करना है, बॉईल करके भी इसका बनता है और ये चटनी भी और भी टेस्टी लगेगा खाने में। आप बनाओगे फिर पता चलेगा। बॉईल वाला भी अच्छा होता है, सबका अपना अपना अलग ये है। और ये धनिया जो है ये भी डाल देती हूँ। नमक अभी नहीं डालूंगी मैं इसमें। और इसको अभी जो है थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ, क्योंकि पानी आप डालोगे नहीं तो ये फिर तोड़ेगा नहीं। अभी इसको ग्राइंडर में लगा के बारीक इसको पीसना है। ये देखिए इसमें थोड़ा और इसको सहूलियत दे दूंगी फिर पिस जाएगा। ये देखिए ये चटनी मेरा, ये देखिए ये मेरा हरी चटनी तैयार है। और इसमें अभी करना क्या है, ये काला नमक है ये अभी डालना है। और एक बार इसको मैं घुमा लूंगी, बस कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल इजी और टेस्टी भी है। आंवले का चटनी रेडी है। इसको पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, किसी भी चीज के साथ इसको खाइए। टेस्टी आंवले की चटनी, ये देखिए हरी चटनी, आंवले की टेस्टी चटनी। आप लोग बनाइए और खाइए। अभी मौसम भी आंवले का चल रहा है, धनिया भी आपको अवेलेबल मार्केट में मिलता है। तो आप लोग खाइए, बनाइए और खाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।